एवरीवन, फूड मेरी दिल्ली में मैं प्रियंका वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेके आई हूँ उत्तराखंड के इतने ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लैंसडाउन में। और लैंसडाउन जाना जाता है अपने पाइन फॉरेस्ट के लिए और नेचर ब्यूटी के लिए। मैं खुद लैंसडाउन पहली बार आई हूँ, लेकिन अगर आप कुछ यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं रहने के लिए तो मैं आज आपको एक ऑप्शन दिखाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ समसारा एंड समसारा में। ये पड़ता है लैंसडाउन से 6 किलोमीटर पहले। तो मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन गाइड कर देती हूँ। तो ये देखिए, आप मेरे राइट हैंड साइड पर देख सकते हो कि ये हाईवे है जो मेन रोड से यहाँ पे कट है, और उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कितने आसानी से इसके ऊपर कार चढ़ जाती है, और मात्र 50 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं है रिजॉर्ट। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनका ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, इनकी एमिनिटीज देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। नमस्ते मैम। तो क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मैम मोहन सिंह है और मैं यहाँ का मैनेजमेंट पूरा मैं देखता हूँ होटल का। मैम यहाँ पे हमारे पास 5 टेंट्स हैं जिन्हें हम ग्लैम्पिंग्स कहते हैं, और डबल ऑक्यूपेंसी में है जिसमें 1 एक्स्ट्रा मैट्रेस कभी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में अवेलेबल है। और हमारे पास 2 फैमिली रूम्स हैं जिनमें 4 अकोमोडेशन मतलब 4 लोगों के अकोमोडेशन है, और हमारे पास 1 फैमिली सीट है जिसमें 6 रहने की जगह है। मैम ये एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम यहाँ पे हट और कॉटेजेस अवेलेबल है हमारे पास, और इसमें मतलब एसी है, सर्दियों में ब्लोअर है हमारे पास, और प्लेग्राउंड है बाहर हमारे पास काफ़ी है। मैम यहाँ पे जो है हमारे पास ग्रीनरी बहुत बेहतरीन है और वेदर बहुत क्लियर है यहाँ पे, सर्दियों के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और मानसून वेदर बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। हमारी प्रॉपर्टी जो है मैम पेट फ्रेंडली है, और इसमें गेस्ट काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं, पार्किंग स्पेस अच्छा है हमारा, हर चीज़ बढ़िया है यहाँ पे। मैम हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है रूम की जिनके प्राइजेस हमारे पास 4500 से 8000 तक के रहते हैं, और जो कि टाइम टू टाइम घटते बढ़ते रहते हैं। रूम्स होते हैं सब इंक्लूडिंग ऑफ ब्रेकफास्ट होते हैं हमारे। तो अभी तक तो हमने इनकी अकोमोडेशन देखी है और फैसिलिटीज़ देखी है कि इनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है और अकोमोडेशन है। तो अभी अब बारी है ब्रेकफास्ट एंजॉय करने की, और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने मेरे लिए ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन लगाया है। इन्होंने मेरे लिए लगाया है पूड़ी, भाजी, वेजिटेबल मैगी, पोहा और वेज ग्रिल सैंडविच। तो चलिए जो इनका फूड है वो हम टेस्ट भी कर लेते हैं। तो सब बच्चों का और सब बड़ों का भी फेवरेट वेज मैगी, जो कि मतलब इसको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है कि लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए आप, तो इन्होंने एक बढ़िया तरीके से बनाई है। कहते हैं ना मैगी बनाने का भी ना हर किसी का ना स्वाद अलग होता है, हाथ हाथ का। जैसे कि मैं अलग मैगी अलग तरीके से मैगी बनाती हूँ, मेरी फैमिली में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग मैगी बनाते हैं, तो मुझे दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। उन्होंने काफ़ी डिफरेंट स्टाइल से बनाई है मैगी। यहाँ पर सर्व करूँगी पोहा। ये देखिए आप, ये पोहा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली इन्होंने डेकोरेट किया है, और काफ़ी ज़्यादा खिला खिला पोहा है। ये देखिए आप, थोड़ा सा मैं ये भी लूँगी। तो यहाँ पे मैं सर्व करूँगी भाजी की सब्ज़ी, और जो कि भाजी रहती है आलू की, आलू और मटर थोड़ी सी रख लेती हूँ यहाँ पे। तो अब और मैं सर्व करूँगी अपनी प्लेट में पूड़ी। सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगी वेज मैगी, जिसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देख के ही मेरे को लालच आ रहा था कि मुझे यही टेस्ट करनी है। मैगी का मसाला तो वैसा ही होता है जो आता है, लेकिन हर किसी के हाथ का बनाने का स्वाद अलग होता है, तो वैसे ही है क्योंकि इसमें वेजिटेबल है। आई थिंक इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मसाले, जैसे हम यूजुअली यूज़ करते ही है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैगी में डालते ही हैं, तो वही है। थोड़ी चटपटी है, अच्छी है, और आई रियली लाइक इट। तो चलिए जो इनकी पूड़ी भाजी है वो भी हम टेस्ट करेंगे। इतनी ज़्यादा लाजवाब लग रही है। आलू और मटर की सब्ज़ी रहती है यहाँ पे। तो भाजी की सब्ज़ी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब बेसिकली इसमें इतने ज़्यादा मसाले नहीं हैं। और मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो इनका फूड है पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। हाइजीनिक फूड है, इन्होंने हाइजीन का भी काफ़ी ध्यान रखा है, एंड गुड क्वालिटी फूड है। ऑल इनका स्टाफ भी कोऑपरेटिव है और काफ़ी पोलाइट है। सो आई टोटली एंड हाईली रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे एक बार आइए और स्टे ज़रूर कीजिए, और एक बार इनका मील ज़रूर इन्जॉय कीजिए। हेलो, हम लोग नियर लखनऊ, एग्जैक्टली हम लोग हरदोई से हैं। ग्रीनरी अच्छी है और मतलब यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ही अच्छा है, जो हम चाहते हैं एग्जैक्टली। हाँ, अगर जिसको शांति चाहिए वो एग्जैक्टली यहीं पे आए, बहुत परफेक्ट प्लेस है, आपको बहुत सुकून मिलेगा यहाँ के। फिश पॉन्ड भी है, कैरम है, यूडो है। अच्छा लगा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। हाँ मैम, लैंसडाउन से हमारा 5 किलोमीटर पहले है कोटद्वार रोड पे। तो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जल्दी से मैं यहाँ पे इनके ब्रेकफास्ट को एंजॉय करती हूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।